हाय, माय सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 9, पेपर का नाम है स्टैट्स, उसके अंतर्गत पढ़ना है आप लोगों को कोरिलेशन, सहसंबंध को परिभाषित करें, उसके प्रकारों का वर्णन करें। मैं पिछले क्लास में सहसंबंध क्या है और उसके प्रकारों पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसी से आगे बढ़ते हुए दूसरे टॉपिक पर मैं आज चर्चा करूँगी, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, उसके स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता पर आज चर्चा करेंगे। नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। नल शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ शून्य होता है। इस परिकल्पना में शोधकर्ता यह मानकर चलता है कि जिन दो चरों के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना का संकेत H कैपिटल O स्मॉल है। प्रयोगकर्ता के हाथ में शून्य परिकल्पना अंतर की सार्थकता की जांच करने का एक उपयोगी साधन, यूजफुल टूल है। यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें समग्र के लिए लिए गए दो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का अर्थ है यहाँ पर सैंपल के माध्यमों को में किसी प्रकार का अंतर असत्य और अवास्तविक माना जाता है। इस परिकल्पना में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व के सभी समूह समान हैं, अर्थात विभिन्न समूहों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यदि दो समूहों में किसी प्रकार का अंतर देखने को मिलता है तो वह अंतर आकस्मिक और महत्वहीन होता है। यदि एक ही जनसंख्या में दो प्रतिदर्श लिए गए हो और उनके माध्यम में अंतर प्राप्त होता हो तो निश्चय ही किसी अज्ञात एवं आकस्मिक कारक की सक्रियता का परिणाम हो सकता है, जो सतर्कता पूर्वक अध्ययन करने पर स्वतः समाप्त हो सकता है। यहाँ पर यह कह देने मात्र से परिचर्चा खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है। रेबर तथा रेबर के अनुसार शून्य अंतर या शून्य संबंध को परिकल्पना का शून्य परिकल्पना कहते हैं। गैरेट के अनुसार शून्य परिकल्पना की यह मान्यता है कि दो प्रतिदर्श के माध्यम मीन्स मीन में वास्तविक अंतर नहीं है, और यदि प्रतिदर्श मीन में कोई अंतर होता है तो यह अंतर आकस्मिक होता है और महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस परिकल्पना के अनुसार यदि कोई वास्तविक अंतर है तो इसे निश्चित रूप से सिद्ध करना होगा। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी करार नहीं दे सकते जब तक कि कानून उसे अपराधी प्रमाणित ना कर दे, कानून द्वारा उसे सजा ना हो जाए। उसी प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार शून्य परिकल्पना केवल यह बताती है कि प्रायोगिक परिस्थिति में
या अप्रायोगिक स्थिति में भी जिन घटनाओं की गणना या मापन होता है उनके विषय में यह धारणा रहती है कि इन सब का विशेष कारण कुछ नहीं है, बल्कि यह सब स्वतंत्र या बंधन मुक्त या संयोग के नियमों के प्रभाव के कारण देखने में आता है। प्रयोगकर्ता के लिए शून्य परिकल्पना एक प्रकार की चुनौती है, जिसमें उसे अपने अध्ययन या प्रयोग के अंतर्गत स्वतंत्र चर के प्रभाव को स्थापित करना होता है तथा उसे सिद्ध करना पड़ता है कि दोनों चरों में सार्थक अंतर है। अध्ययन में सार्थक अंतर को सिद्ध करने के लिए फर ग्यूनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने इन बातों का सहारा लिया है। नंबर वन, अध्ययनकर्ता शून्य परिकल्पना की रचना कर परीक्षण परिकल्पना, परीक्षण का मतलब यहाँ पर ट्रायल हाइपोथेसिस, टेस्टिंग नहीं, ट्रायल हाइपोथेसिस में यह बात स्पष्ट करता है कि स्वतंत्र चर पर आश्रित चर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर टू, अध्ययनकर्ता इसके लिए संबद्ध आंकड़ों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ डेटा करके दोनों परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर का ऑब्जर्वेशन करता है। एक परिस्थिति जिसमें स्वतंत्र चर का प्रयोग किया गया है और दूसरी परिस्थिति जिसमें स्वतंत्र चर का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर थ्री, दोनों परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर की संभावना को ज्ञात करने के साथ साथ यह भी ज्ञात किया जाता है कि दोनों परिस्थितियों के अंतर सार्थक हैं या केवल संयोग पर आधारित है। नंबर फोर, जब दोनों परिस्थितियों में अंतर सार्थक होता है तो अध्ययनकर्ता शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, और यदि प्राप्त अंतर निरर्थक या असार्थक नॉन सिग्निफिकेंट है तो शून्य परिकल्पना की सत्यता को मान लिया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रायः शून्य परिकल्पना का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक या सांख्यिकी अध्ययनों में इस प्रकार की परिकल्पना श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी परिकल्पना के आधार पर प्रतिदर्श के मीन के अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। प्रतिदर्श सैंपल का मीन कम या अधिक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शून्य परिकल्पना की विशेषता या स्वरूप, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ नल हाइपोथेसिस। नंबर वन, शून्य परिकल्पना की मुख्य विशेषता यह है कि यह दो माध्यमों या प्रतिदर्शों सैंपल, मतलब कि शून्य परिकल्पना में पहली विशेषता यह है कि यह दो मीन या दो सैंपल के बीच शून्य अंतर को बतलाती है। इसी तरह यह दो चरों या प्रतिदर्शों के बीच शून्य संबंध को बतलाती है। नंबर टू, यह दिशा रहित होती है। नंबर थ्री, यह द्विपक्षीय परीक्षण होती है, यानी या तो यह गलत हो सकती है या यह सही हो सकती है, कभी भी दोनों नहीं हो सकती है। नंबर फोर, इसका निर्माण करना दूसरी परिकल्पनाओं की अपेक्षा सरल होती है। शून्य परिकल्पना के लाभ या उपयोगिताएं, एडवांटेज और यूजेज ऑफ नल हाइपोथेसिस। नंबर वन, इसके आधार पर
दो माध्यमों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करना संभव होता है। नंबर टू, दो या अधिक चरों, चर का अर्थ यहाँ वेरिएबल्स है, दो या दो से अधिक चरों के बीच सहसंबंध की सार्थकता की जांच करने में यह सहायक होता है। नंबर थ्री, काई स्क्वायर की सार्थकता की जांच करने में सहायक होता है। नंबर फोर, इनोवा की सार्थकता की जांच में भी यह मदद करता है। नंबर फाइव, विकल्पिक परिकल्पना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्वीकृति के लिए भी शून्य परिकल्पना सहायक होती है। शून्य परिकल्पना के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहाँ पे संभावना यह बतलाया जाता है कि ये जब भी हाइपोथेसिस किया जाता है तो ये हाइपोथेसिस में यह बतलाया गया है कि यह तो ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाइपोथेसिस यहाँ पर एक भविष्यवाणी प्रिडिक्शंस की तरह है कि यदि हम कोई काम करते हैं तो वो कितना सार्थक होगा और यदि उस काम को करते हैं तो वो कितना निरर्थक होगा। ये कहना बहुत आसान होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है तो किस प्रकार का उसका परिणाम आ सकता है, या तो सही या गलत। तीसरा, इसमें किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों को पता है कि आप लोगों को पढ़ाई में, स्टडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्लास में पढ़ना और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने में बहुत अंतर होता है, ये इस क्लास को लेने के बाद समझ में आता है। एक तो यहाँ पर टाइम भी लिमिट होती है, प्लस मैं जो कह रही हूँ वो कितना आप लोग समझ पाते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता है। बिना कन्वर्सेशन क्लास के, बिना परिचर्चा के कोई भी क्लास सार्थक नहीं हो सकता है। लेकिन समय की मांग है, अभी हमारे देश में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है जिसके कारण हम लोगों को घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। इसी के दृष्टिकोण से आप लोग इस तरह की एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।